गुड इवनिंग एवरीवन। इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? वीडियो क्लियर नहीं है? सबका वीडियो क्लियर नहीं है क्या? इस वीडियो नॉट क्लियर फॉर ऑल? क्लियर है वीडियो? सो वीडियो इज क्लियर, सो ऑडियो वीडियो क्लियर है। सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्पेसिफिकेशन की। सो इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम ऑफ द वर्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम ऑफ द वर्क विच इज टू बी कैरिड आउट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। फिर हमने बात करी थी स्पेसिफिकेशन दो टाइप की होती है, जनरल स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्पेसिफिकेशन। दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था हमने, डिफरेंस बिटवीन बोथ दी स्पेसिफिकेशंस वी हैव डिस्कस। फिर हमने स्टार्ट किया था यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो बेसिक जानकारी दी थी आपको कि कौन सी यूनिट ऑफ मेजरमेंट अडॉप्ट करते हैं एक पर्टिकुलर वर्क के लिए। डिटेल में सारी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बता दी थी, टेबल शेयर करी थी आपको। टेबल वॉज बिंग शेयर्ड इन विच यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स आर बिंग गिवन टू यू। देन वी स्टार्टेड दी मेजर आइटम ऑफ वर्क। फिर हमने स्टार्ट किया था मेजर आइटम ऑफ वर्क। मेजर आइटम ऑफ वर्क में आपको जितने भी आइटम ऑफ वर्क थे वो सारे बता दिए थे। ऑल दी मेजर आइटम ऑफ वर्क वी हैव डिस्कस। अर्थवर्क बता दिया, कॉन्क्रीटिंग बता दिया, स्टील वर्क बता दिया, वुड वर्क बता दिया। लास्ट जो हमारा कल टॉपिक था वो था द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस यस्टरडे वॉज मिसलेनियस वर्क। तो मिसलेनियस वर्क में भी आपको सारी एनालिसिस करके दे दी थी। इन मिसलेनियस वर्क ऑल्सो द इंटायर एनालिसिस वॉज बिंग कैरिड आउट। तो उसमें भी कुछ बचा नहीं था। सो द इंटायर मिसलेनियस वर्क वॉज बिंग कैरिड आउट। तो यहाँ तक की डिस्कशन हमने कल कर ली थी। अप टिल हियर द डिस्कशन वॉज बिंग कैरिड आउट इन द लास्ट क्लास। ये बफर क्यों होने लग गया आज? सबका हो रहा है क्या? तो मिसलेनियस कंस्ट्रक्शन कर लिया था हमने। मिसलेनियस कंस्ट्रक्शन वॉज बिंग कैरिड आउट। चले आगे, शैल वी कंटिन्यू? ठीक हो रहा है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो इन टुडेज क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिडक्शंस। आज के क्लास में बात करेंगे डिडक्शंस के बारे में कि कौन कौन सी डिडक्शंस हमें हमारा कोड स्पेसिफाई करता है। वॉट आर डिडक्शन विच आर बिंग स्पेसिफाइड बाय अवर कोड। तो उसकी बात करेंगे क्योंकि उनको भी कई बार सवालों में अप्लाई करना पड़ जाता है। नहीं भी अप्लाई करना पड़े, आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी नोन टू यू। रीजन बिंग, आपको एस्टिमेशन करनी पड़ सकती है साइट पर जाके। तो यू मे हैव टू कैरी आउट द एस्टिमेशन इन प्रैक्टिकल टर्म्स ऑल्सो। तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो वील टॉक अबाउट दी डिडक्शन। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज सो रूल्स ऑफ डिडक्शन। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज रूल्स ऑफ डिडक्शन। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डिडक्शन की कि कैसे आपको डिडक्शन को एनालाइज करना है। सो रूल्स ऑफ डिडक्शन, तो फर्स्ट ऑफ द आइटम ऑफ वर्क इज प्लास्टरिंग। द फर्स्ट ऑफ द आइटम ऑफ वर्क इज टर्म्ड इज प्लास्टरिंग। तो पहला जो आइटम ऑफ वर्क है वो हमारे पास वो है प्लास्टरिंग का। अब जो भी रूल्स हैं उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब क्या क्या रूल्स हैं? पहला रूल्स, सो एरिया ऑफ ओपनिंग। सो एरिया ऑफ ओपनिंग लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ ओपनिंग लेस देन 0.5 मीटर स्क्वायर, नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं होगा। सो नो डिडक्शन विल बी कैरिड आउट। तो एरिया ऑफ ओपनिंग अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से कम हुई तो कोई डिडक्शन नहीं होगी। एरिया ऑफ ओपनिंग जैसे एग्जाम्पल आ गया जैम्ब, सॉफिट एंड सिल। सो जैम्ब, सॉफिट एंड सिल, तो क्या होता है भी आगे डिस्कस कर लेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एरिया ऑफ ओपनिंग, अगर आपको एरिया ऑफ ओपनिंग मिले
0.5 से लेके, सो इफ द एरिया ऑफ ओपनिंग इज इन द रेंज ऑफ 0.5 to 3 मीटर स्क्वायर, तो अगर एरिया ऑफ ओपनिंग निकल के आ जाए 0.5 से लेके 3 मीटर स्क्वायर, देन डिडक्शन इज कैरिड आउट ऑन वन साइड ओनली. सो हम बोलेंगे डिडक्शन डिडक्शन इज ऑन वन साइड ओनली. सो डिडक्शन इज ऑन वन साइड ओनली, एक ही तरफ डिडक्शन करोगे. और उसी तरीके से अगर एरिया ऑफ ओपनिंग, सो इफ एरिया ऑफ ओपनिंग इज मोर देन 3 मीटर स्क्वायर, और 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा निकल के आ जाए, सो डिडक्शन इज कैरिड आउट ऑन बोथ दी साइड्स. सो डिडक्शन करेंगे हम दोनों साइड से. सो डिडक्शन डिडक्शन इज ऑन बोथ साइड्स, इज ऑन बोथ साइड्स. सो डिडक्शन इज ऑन बोथ साइड्स. तो ये रूल्स है डिडक्शन का किसमें, दिस इज द रूल्स ऑफ डिडक्शन फॉर प्लास्टरिंग वर्क. तो प्लास्टरिंग वर्क के लिए जो डिडक्शन के रूल्स हैं वो मेंशन कर रखे हैं. अब जो भी मेंशन किया है उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है. अगर प्लास्टरिंग करते हुए बीच में कोई ओपनिंग आती है, अगर प्लास्टरिंग करते हुए बीच में कोई ओपनिंग आती है, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख के दे दिया आपको, फ्यू एग्जाम्पल्स आर बीइंग गिवन टू यू, जैम है, सॉफिट है, सिल है, और अगर इसका एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से कम है, आप कोई डिडक्शन नहीं करोगे. आप ये मानोगे कि पूरे वॉल के ऊपर क्या हो रही है, प्लास्टरिंग हो रही है. तो मैं मान के चल रहा हूँ वॉल के ऊपर प्लास्टरिंग कर रहे हो जिसमें ओपनिंग का एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर से कम निकल के आ रहा है, तो कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी, ना आउटर सर्फेस पे ना इनर सर्फेस पे, तो कोई डिडक्शन विल बी नॉट बी कंसिडर्ड. उसी तरीके से अगर ओपनिंग का एरिया 0.5 से लेके 3 मीटर स्क्वायर के बीच में निकल के आ जाए, अब आप जो डिडक्शन करोगे वो बस एक साइड पे करोगे, डिडक्शन विल बी कैरिड आउट ऑन वन साइड. या आप ऐसे बोल सकते हो, जब आप दोनों वॉल का एरिया निकालोगे, दोनों वॉल का एरिया निकाल लिया, तो प्लास्टर कितना करेगा, उसका एरिया निकल के आ गया, उसमें बस एक बार क्या करोगे आप, डिडक्शन करोगे. तो डिडक्शन इज टू बी कैरिड आउट ओनली ऑन वन साइड. तो एक ही साइड पे चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, एक डिडक्शन कर देना. पर अगर एरिया की वैल्यू 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो गई, किसके एरिया की वैल्यू, ओपनिंग के एरिया की वैल्यू, तो डिडक्शन दोनों साइड पे होगी. देन डिडक्शन विल बी कैरिड आउट ऑन बोथ दी साइड्स. अब इस पूरे वैल्यूज तो स्टैंडर्ड है, इस पूरी स्टोरी में जिस चीज में हमें समझ में दिक्कत आ सकती है वो क्या है, ये ओपनिंग क्या होती है, जैम क्या होता है, सॉफिट क्या होता है, सिल क्या होता है, इसको समझने के लिए डायग्राम है हमारे पास. फॉर दिस वी हैव द डायग्राम अवेलेबल विद अस. तो वो तो देख के समझ में आ जाता है किसको हम जैम बोलते हैं, किसको हम सिल बोलते हैं, किसको हम सॉफिट बोलते हैं. तो इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. सो दिस इज अवर प्लास्टिंग वर्क. तो प्लास्टिंग वर्क दिख रहा है आपको, बीच में ओपनिंग आई हुई है, तो प्लास्टिंग वर्क है, बीच में क्या आई हुई है, ओपनिंग आई हुई है. ये जो वर्टिकल सेक्शन दिख रहे हैं आपको, इन्हें क्या बोला जाता है, ये जो वर्टिकल सेक्शन है इन्हें क्या बोला जाता है, ये जो वर्टिकल सेक्शन है इन्हें क्या बोला जाता है, जैम बोला जाता है. दीज आर टेक्निकली बी टर्म्ड एज जैम. व्हाट डू यू मीन बाय सॉफिट, टॉप मोस्ट पॉइंट को सॉफिट बोला जाता है या लोअर मोस्ट पॉइंट को सॉफिट बोला जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट को सॉफिट बोला जाता है या लोअर मोस्ट पॉइंट को सॉफिट बोला जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट को सॉफिट बोलते हैं या लोअर मोस्ट पॉइंट को सॉफिट बोलते हैं, विच विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज सॉफिट. तो टॉप मोस्ट पॉइंट को सॉफिट बोलते हैं या लोअर मोस्ट पॉइंट को सॉफिट बोलते हैं, बहुत ही कॉमन चीज है. जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है, सॉफिट बोला जाता है, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज सॉफिट. और जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज सिल, उसको टेक्निकली सिल बोला जाता है. सो दैट इज बीइंग टेक्निकली टर्म्ड एज सिल. तो जैम कौन सा पोर्शन है हमारा, जैम इज विच पोर्शन, जैम कौन सी पोर्शन है हमारी, जो वर्टिकल पोर्शन है, जो कॉर्नर्स बने हुए वर्टिकल पोर्शन के, इसको हम क्या बोल देते हैं, जैम बोल देते हैं, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज जैम. सॉफिट क्या है हमारी, दिस इज टर्म्ड एज सॉफिट. सो दिस इज टर्म्ड एज सॉफिट, इसको बोलते हैं सॉफिट. तो जो टॉप मोस्ट पोर्शन है इसको हम सॉफिट बोल देंगे. व्हाट अबाउट द सिल, व्हाट अबाउट द सिल, सिल कैसे बोला जाता है, सो व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज सिल, जो बॉटम मोस्ट पोर्शन है उसे सिल बोला जाता है, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज सिल. क्लियर चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो किसमें से. तो जैम क्या होती है, सॉफिट क्या होती है, सिल क्या होती है, उसकी जानकारी आपको दे दी है, दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू. तो जो वर्टिकल पार्ट है ओपनिंग का, दैट इज टर्म्ड एज जैम. क्लियर है, चले आगे. The vertical part of the opening is termed as jamb. अब इससे सिंपल लैंग्वेज में और क्या बताऊं? The vertical part of the opening is termed as jamb. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से किसी के लिए.
चले आगे। चलिए, तो ये तो प्लास्टरिंग के डिडक्शन हो गए। दीज आर दी जैम्ब डोर फ्रेम। दी वर्टिकल पार्ट ऑफ दी ओपनिंग इज टर्म्ड एज जैम्ब। ओपनिंग के वर्टिकल पार्ट को जैम्ब बोला जाता है। अब इससे और सरल भाषा में क्या बताऊं? वो बोले सर फ्रेम होता है क्या जैम्ब? ओपनिंग के वर्टिकल पार्ट को जैम्ब बोला जाता है। अब इसमें फ्रेम कहां से आ गया बीच में? ओपनिंग बना रखी है आपने, दी ओपनिंग इज बीइंग शोन टू यू। ओपनिंग के वर्टिकल पोर्शन को जैम्ब बोला जाता है, दैट इज बीइंग टेक्निकली टर्म्ड एज जैम्ब। अब बोला सर फ्रेम है क्या जैम्ब? मतलब इतना सिंप्लीफाइड करके बता दिया, उसके बाद भी सर जैम फ्लेम होता है क्या? चलो कोई बात नहीं, डिडक्शन इज वन साइड एंड बोथ साइड। क्या हुआ सर? बोथ साइड प्लास्टरिंग हुई, प्लास्टरिंग दोनों तरफ हो रही है, इस तरफ भी हो रही है, इसके पीछे भी हो रही है। तो प्लास्टरिंग इस वॉल पे भी कर रहे हो, इसके पीछे वाली वॉल पे भी कर रहे हो। अगर ये ओपनिंग का एरिया, अगर ये ओपनिंग का एरिया किसके बीच में आ जाए, 0.5 से लेके 3 मीटर स्क्वायर के बीच में आ जाए, तो लेट सपोज ये ओपनिंग है हमारी, ओपनिंग का एरिया बता दिया आपको 0.75 मीटर स्क्वायर, और जो वॉल है हमारी, वॉल है उसका एरिया है लेट सपोज 10 मीटर बाय 10 मीटर, 10 मीटर बड़ी हो जाएगी, 5 मीटर कर देता हूँ, सो 5 मीटर बाय 5 मीटर आर्बिट्री वैल्यू है। तो 5 मीटर बाय 5 मीटर की वॉल है, उसमें ओपनिंग है 0.7 मीटर स्क्वायर की, तो अगर मुझे प्लास्टर करना है मैं कितना एरिया लूंगा? इफ आई हैव टू कैरी आउट द प्लास्टरिंग वर्क, तो जो मैं एरिया रिपोर्ट करूंगा प्लास्टरिंग करने का, तो जो एरिया रिपोर्ट किया जाएगा वो होगा 5 × 5 × 2 − 0.75, दिस विल बी द एरिया दैट विल बी रिपोर्टेड। तो इस एरिया को रिपोर्ट करेंगे। क्लियर है पूरी कहानी? चले आगे। अब अभी भी दिक्कत होगी बात को। वो देखो सर, विंडो के फ्रेम में बॉटम को क्या कहते हैं? ये कुछ नहीं हो सकता इनका। वॉल में जो ओपनिंग है उसके वर्टिकल पोर्शन को जैम्ब बोलते हैं, ओपनिंग में जो टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसे सॉफिट बोलते हैं, ओपनिंग में जो बॉटम मोस्ट पोर्शन है उसे सिल बोलते हैं। ओपनिंग कोई सी भी हो सकती है, अभी डायग्राम में आपको दिख रही है डोर की, ये विंडो की भी हो सकती है। अभी भी दिक्कत होगी, डायग्राम दिखाने के बाद भी दिक्कत होगी। पहले तो वर्ड ही समझ में नहीं आते थे, अब तो सब कुछ बता दे सर, अभी भी बता दो क्या होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। तो जैम हो गया, सॉफिट बता दी और सिल बता दिया, तो जैम सॉफिट एंड सिल, सो दिस इज सिल, ये हमारी सिल है, दिस इज अवर सॉफिट एंड दिस इज अवर जैम, ये हमारा जैम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। सो विल कंटिन्यू, ये जानकारी निकल के आ गई है, सो दिस इंफॉर्मेशन इज नोन टू अस। तो पहली डिडक्शन किसके अंदर है? द फर्स्ट ऑफ द डिडक्शन विच इज टू बी कैरिड आउट इज इन प्लास्टरिंग वर्क। पहली डिडक्शन हमारे प्लास्टरिंग वर्क में निकल के आती है। द सेकेंड ऑफ द डिडक्शन इज इन मेसनरी वर्क। द सेकेंड ऑफ द डिडक्शन इज इन मेसनरी वर्क। दूसरी डिडक्शन हमारे मेसनरी वर्क के अंदर है। सो अगेन द वैल्यूज आर स्टैंडर्ड। फिर से जो वैल्यूज है वो स्टैंडर्ड है। फर्स्ट, नो डिडक्शन, नो डिडक्शन इज मेड, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ मेसनरी वर्क, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग ऑफ, अगर ओपनिंग निकल के आया है 0.1 मीटर स्क्वायर की, सो 0.1 मीटर स्क्वायर, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ 100 100, सो वैल्यू आ जाएगी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो जैसे मर्जी समझ लो, तो कोई डिडक्शन नहीं की जाती अगर हमारी ओपनिंग क्या हो, इफ दी ओपनिंग इज मेड ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए कोई डिडक्शन नहीं करोगे आप। देन नो डिडक्शन, नो डिडक्शन फॉर लिंटल, कोई डिडक्शन नहीं होगी मेसनरी वर्क में, सो नो डिडक्शन फॉर लिंटल, छज्जास, तो कोई डिडक्शन नहीं होगी लिंटल की, कोई डिडक्शन नहीं होगी छज्जास की, और कोई डिडक्शन नहीं होगी ऑफसेट की, नो डिडक्शन विल बी कैरिड आउट फॉर ऑफसेट, कोई डिडक्शन नहीं होती इसकी। नेक्स्ट, नो डिडक्शन, नो डिडक्शन फॉर एंड ऑफ द बीम, सो नो डिडक्शन फॉर
एंड ऑफ बीम, सो नो डिडक्शन फॉर एंड ऑफ बीम, फॉर सॉफिट, फॉर राफ्टर एंड पर्लिन, एंड पर्लिन, एंड पर्लिन अप टू 0.05 मीटर स्क्वायर, और यू कैन से सो मल्टीप्लाई किया 4 जीरो से, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस केस में भी कोई डिडक्शन नहीं निकल के आएगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नो डिडक्शंस व्हेन बेड प्लेट, नो डिडक्शन व्हेन बेड प्लेट, व्हेन वॉल प्लेट, व्हेन बेयरिंग ऑफ छज्जा, व्हेन बेयरिंग ऑफ छज्जा अप टू, व्हेन बेयरिंग ऑफ छज्जा अप टू 10 सेंटीमीटर, व्हेन बेयरिंग ऑफ छज्जा अप टू 10 सेंटीमीटर इज अवेलेबल, इज अवेलेबल। तो मेसनरी वर्क में कौन कौन सी चीजों का डिडक्शन नहीं करेंगे उसकी जानकारी आपको दे दी है। अब एक एक करके सारे प्रोविजन उठाते हैं। विल रेफर वन बाय वन ऑल दी पॉइंट्स, एक एक करके सारे पॉइंट्स उठाते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, आप कोई डिडक्शन नहीं करोगे फॉर दी ओपनिंग अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर। तो भी पीछे बना के दिखा रखा था, दैट वॉज बींग शोन टू यू। तो अगर ओपनिंग हमारी 0.1 मीटर स्क्वायर की है, कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी। इससे ज्यादा निकल के आ गई, तो इससे ज्यादा की अगर ओपनिंग निकल के आ गई, क्या करना पड़ेगा आपको, डिडक्शन करना पड़ेगा, यू हैव टू कैरी आउट द डिडक्शन। तो पीछे हमने मेसनरी वर्क कर रखा था, बीच में क्या आ गया था, डोर आ गया था, डोर था, डोर की ओपनिंग थी, और वो डोर की ओपनिंग 0.1 मीटर स्क्वायर से क्या होती है, ज्यादा ही होती है। तो अगर डोर की ओपनिंग आपको विंडो की ओपनिंग 0.1 मीटर स्क्वायर से ज्यादा मिले, आप उसकी डिडक्शन करोगे, पर अगर उससे कम हुई, कोई डिडक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा, नो डिडक्शन विल बी कैरिड आउट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी लिंटल के लिए, कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी छज्जे के लिए, कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी ऑफसेट के लिए। नो डिडक्शन विल बी कैरिड आउट फॉर लिंटल, छज्जा और ऑफसेट। तीनों की मैंने पिक्चर आपको पहले भी दिखा रखी है, अभी फिर दिखा दूंगा आपको, आई शो द पिक्चर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कोई डिडक्शन नहीं करोगे आप, नो डिडक्शन विल बी कैरिड आउट फॉर एंड ऑफ द बीम, नो डिडक्शन विल बी कैरिड आउट फॉर एंड ऑफ द बीम, फॉर सॉफिट, सॉफिट आपको पीछे बता दिया था, राफ्टर कल हमने डिस्कस किया था, वुडन राफ्टर दिखाए थे आपको, कोई डिडक्शन नहीं होगा फॉर एंड ऑफ द बीम, कोई डिडक्शन नहीं होगा सॉफिट के लिए, कोई डिडक्शन नहीं होगा राफ्टर के लिए, कोई डिडक्शन नहीं होगा पर्लिन के लिए, प्रोवाइडेड इन सबका एरिया कितना हो, प्रोवाइडेड इन सबका एरिया कितना हो, 0.05 मीटर स्क्वायर हो। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नो डिडक्शन विल बी कैरिड आउट फॉर वॉल प्लेट, फॉर बेड प्लेट, फॉर बेयरिंग ऑफ द छज्जा एंड अप टू, एंड बेयरिंग ऑफ द छज्जा फॉर अप टू 10 सेंटीमीटर। इन सारी चीजों के लिए डिडक्शन नहीं होती है किसके अंदर, मेसनरी वर्क के अंदर। तो इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट उठा के दे देगा, यही 4 पॉइंट लिख के दे देगा, दीज 4 पॉइंट्स विल बी गिवन टू यू। सो फॉर दीज 4 कंसिडरेशन डिडक्शन इन द मेसनरी वर्क इज नॉट बीइंग कैरिड आउट, तो इसको आप कंसिडर नहीं करोगे। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनी वन, कोई सा भी स्टेप रिपीट करना हो उसमें से। चले आगे, चलिए अब एक एक कॉम्पोनेंट को देखते हैं, विल सी वन ऑफ द कॉम्पोनेंट। सो दिस इज द लिंटल विच इज बीइंग शोन टू यू, तो ये लिंटल है हमारा, सो दिस इज द लिंटल विच इज बीइंग शोन टू यू। तो कहने का मतलब है, जो हमारी मेसनरी वर्क है उसका सारा लोड हमारे डोर और विंडो के ऊपर नहीं है, यहां पे विंडो लगेगी या डोर लगेगी, जो हमारी मेसनरी वर्क है इसका सारा लोड डोर और विंडो के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो, इसलिए डोर और विंडो के ऊपर क्या प्रोवाइड किया जाता है, लिंटल प्रोवाइड किया जाता है। तो ये लिंटल दिखा रखा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि जब आप मेसनरी वर्क कैलकुलेट करोगे, इस लिंटल के लिए डिडक्शन नहीं करोगे, तो लिंटल मेसनरी वर्क का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेसनरी वर्क, पर मेसनरी वर्क की कैलकुलेशन करते हुए लिंटल को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, any point to be referred from this for anyone, so what is lintel that is being shown to you, to ye member provide kar rakha hai, concrete ki hoti hai, aap timber ka bhi provide kar sakte ho, jiska kaam kya hota hai, masonry work ke load ko door aur window ke upar transfer nahi hone dena, clear hai, chaliye aage badhte hain, so we'll continue, so next of the component is chhajja, to ye raha chhajja, so this is the chhajja which is being shown to you, to chhajja fir se part nahi hai kiska, so it is not the part of what, so it is not the part of masonry work, पर जब आप मेसनरी वर्क कैलकुलेट कर रहे होगे, इसको डिडक्ट नहीं करोगे, इट विल नॉट बी डिडक्टेड। क्लियर है पूरी कहानी,
रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वॉल प्लेट। सो दिस इज द वॉल प्लेट विच इज बीइंग शोन टू यू। फिर से वॉल प्लेट लगी हुई है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमारी वॉल है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेट लगी हुई है। अब जब ये प्लेट आके हमारी ओरिजिनल वॉल से मीट करेगी, वहां पे हमारी मेसनरी वर्क नहीं हो रही है, पर आप इसको सब्ट्रैक्ट ही नहीं करोगे, तो वॉल प्लेट के लिए मेसनरी वर्क सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। सो डिडक्शन विल नॉट बी कैरिड आउट फॉर वॉल प्लेट। डिडक्शन नहीं किया जाता है वॉल प्लेट के लिए। तो ये वॉल प्लेट दिखा रखी है आपको। सो डायग्राम ऑफ द वॉल प्लेट इज बीइंग शोन टू यू। क्लियर है पूरी कहानी? लिंटल कॉन्क्रीटिंग में कैलकुलेट होता है, उसके लिए कॉन्क्रीटिंग देखो कल वाले लेक्चर में कराई थी। तो लिंटल कहां कैलकुलेट होता है उसके लिए दूसरा लेक्चर देखो, वो दूसरे लेक्चर में करा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कोई डिडक्शन नहीं होगा किसके लिए? सॉफिट के लिए। नो डिडक्शन विल बी कैरिड आउट फॉर सॉफिट। कोई डिडक्शन नहीं होता है सॉफिट के अंदर। फिर से सॉफिट आपको बना के दिखा रखिए। अगेन द सॉफिट इज बीइंग शोन टू यू। फिर से ये पार्ट नहीं है किसका? इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेसनरी वर्क, पर आप इसको मेसनरी वर्क में इंक्लूड करोगे। यू विल इंक्लूड दिस इन मेसनरी वर्क, तो ये इंक्लूड होगा मेसनरी वर्क के अंदर। क्लियर है पूरी कहानी? चले आगे। सो वॉल प्लेट भी दिखा दी। सो वॉल प्लेट इज ऑल्सो बीइंग शोन टू यू। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज पर्लिन। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज पर्लिन। तो अगर पर्लिन का एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर से कम हुआ, कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी पर्लिन के लिए। नो डिडक्शन विल बी कैरिड आउट फॉर पर्लिन। पर्लिन जनरली हम ट्रस में प्रोवाइड करते हैं। सो पर्लिन वी प्रोवाइड जनरली इन द केस ऑफ ट्रस। तो अगर ये भी मेसनरी के बीच में आ रहा है, इफ दिस इज ऑल्सो कमिंग इन बिटवीन द मेसनरी वर्क, इट विल नॉट बी डिडक्टेड प्रोवाइडेड इट्स एरिया इज लेस देन 0.05 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जीआई शीट का टॉपिक अभी आया ही नहीं है। सो जीआई शीट अभी डिस्कस नहीं करी हमने। तो लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था हमारा पर्लिन। क्लियर है पूरी कहानी? तो मेसनरी वर्क में कौन सी चीजें डिडक्ट नहीं होंगी, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन इज बीइंग शोन टू यू। क्लियर है पूरी स्टोरी? चले आगे। चलो सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस थर्ड। तो तीसरा डिडक्शन, थर्ड डिडक्शन इज वाइट वॉशिंग, देन कलरिंग, देन डिस्टेम्पर, देन डिस्टेम्पर। सो व्हाइट वॉशिंग, कलरिंग एंड डिस्टेम्पर। अब इसमें कौन कौन सी चीजें कंसिडर नहीं की जाती है? वट इज नॉट बिंग कंसिडर्ड इन व्हाइट वॉशिंग, कलरिंग एंड डिस्टेम्पर, दैट बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सो नेक्स्ट बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस निकालना है हमें। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इसमें, सो फर्स्ट पॉइंट से पहला पॉइंट बोल रहा है, जब आप व्हाइट वॉशिंग करोगे, सो ड्यूरिंग कलरिंग, ड्यूरिंग डिस्टेम्पर। सो ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग, कलरिंग एंड डिस्टेम्पर ऑन एस्बेस्टोस सीमेंट एंड जीआई शीट्स एरिया ऑफ वॉशिंग, कलरिंग एंड डिस्टेम्पर इज इंक्रीज्ड, एंड डिस्टेम्पर इज इंक्रीज्ड, एंड डिस्टेम्पर इज इंक्रीज्ड। तो पहला पॉइंट तो ये बोल रहा है, जब आप व्हाइट वॉशिंग करोगे, व्हेन व्हाइट वॉशिंग विल बी कैरिड आउट, व्हेन कलरिंग विल बी कैरिड आउट, व्हेन डिस्टेम्पर विल बी कैरिड आउट ऑन जीआई शीट और व्हेन एस्बेस्ट और सीमेंट शीट, इन सारी चीजों का एरिया बढ़ जाता है। एरिया ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज विच इज बीइंग कैरिड आउट विल बी इंक्रीज्ड। इसका मतलब कितना एरिया बढ़ जाता है, दैट फैक्टर शुड बी नोन टू अस। वो फैक्टर हमें पता होना चाहिए। अब वो फैक्टर कितना होता है उसको अलग से रेफर कर लेते हैं, दैट कैन बी रेफर्ड सेपरेटली। तो पहला है हमारा, द फर्स्ट इज जीआई शीट। द फर्स्ट इज जीआई शीट। कॉरुगेशन होते हैं इसके ऊपर, तो ये कॉरुगेटेड होती है। सो दिस इज कॉरुगेटेड, तो ब्रैकेट में लिख दिया। सो कॉरुगेटेड, सो कॉरुगेटेड जीआई शीट है। तो गैल्वेनाइज आयरन की शीट है,
देन वी हैव एसी शीट, सो देन वी हैव एसी शीट, एस्बेस्टोस सीमेंट शीट, एस्बेस्टोस सीमेंट शीट ये भी कॉरूगेटेड है, सो दिस इज ऑल्सो कॉरूगेटेड. देन इफ वी हैव सेमी कॉरूगेटेड शीट, इफ वी हैव सेमी कॉरूगेटेड शीट्स, सो सेमी कॉरूगेटेड एस्बेस्टोस शीट, तो सेमी कॉरूगेटेड एस्बेस्टोस शीट. तो अगर सेमी कॉरुगेशन है, सेमी कॉरुगेशन जैसे ये सेमी कॉरुगेशन है, दीज आर दी सेमी कॉरुगेशन. तो पहले तो कॉरुगेशन और सेमी कॉरुगेशन ही बना के दिखा दिए. सो कॉरुगेशन सेमी कॉरुगेशन इज बिंग शोन टू यू. सो इंक्रीमेंट इन एरिया, सो विल से एरिया इंक्रीज, सो एरिया इंक्रीज, देन कोफिशियंट टू बी मल्टीप्लाइड, सो वी कैन से एरिया कोफिशियंट, एरिया कोफिशियंट ब्रैकेट में लिख दिया फॉर वन साइड, ये एरिया कोफिशियंट है एक साइड का, तो एरिया इंक्रीज हो जाता है 14% पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में निकल के आता है 20%, तीसरे वाले केस में निकल के आता है 10%. तो जो एरिया कोफिशियंट है वो है 1.14, दूसरे में है 1.2, तीसरे में है 1.1. तो पहली जानकारी तो आपको ये दे दी, द फर्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज बीन गिवन टू यू इज कि जब भी हम व्हाइट वॉशिंग करेंगे, जब भी हम कलरिंग करेंगे, जब भी हम डिस्टेम्पर करेंगे एस्बेस्टोस सीमेंट शीट के ऊपर और गैल्वेनाइज आयरन शीट के ऊपर, जो भी एरिया लगता है वो बढ़ जाता है. किसका एरिया बढ़ जाता है? व्हाइट वॉशिंग का एरिया बढ़ जाता है, कलरिंग का एरिया बढ़ जाता है और डिस्टेम्पर का एरिया बढ़ जाता है. कितना एरिया बढ़ जाता है उसका फैक्टर आपको डायरेक्टली दे दिया है. तो इसका मतलब जो एरिया आपने कैलकुलेट किया, वॉट एवर एरिया इज बीइंग कैलकुलेटेड, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया कोफिशिएंट से और एरिया कोफिशिएंट की वैल्यू आपको दे रखी है. सो फॉर गैल्वेनाइज आयरन शीटिंग द एरिया कोफिशिएंट इज 1.14, फॉर एस्बेस्टोस सीमेंट शीटिंग द कोफिशिएंट इज 1.2. अगर यही सेमी कॉरुगेशन हुई द कोफिशिएंट इज 1.1. ध्यान रखना है कोफिशिएंट एक साइड का है. अगर आपने व्हाइट वॉशिंग, कलरिंग और डिस्टेम्पर इन शीट्स के दोनों तरफ किया है, इफ व्हाइट वॉशिंग, कलरिंग और डिस्टेम्पर इज बीइंग कैरिड आउट ऑन बोथ दी साइड्स, तो आपको ये कोफिशिएंट दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? जस्ट डबल हो जाएंगे. सो दिस कोफिशिएंट विल बी जस्ट डबल. तो उसको मैं नोट करके मेंशन कर देता हूं नीचे. सो इफ दीज वर्क्स आर कैरिड आउट ऑन बोथ दी साइड्स, इफ दीज वर्क्स आर कैरिड आउट ऑन बोथ दी साइड्स, if these works are carried out on both these sides, the coefficient is doubled. The area coefficient is doubled. Area coefficient को double कर देते हैं. So the area coefficient is doubled. तो उसको just double कर दोगे. तो area coefficient की value दुगनी हो जाएगी. Clear चीज? तो पीछे वाले works में हमारा deduction निकल के आ रहा था. इस वाले काम के अंदर हमारा जो work है वो बढ़ गया है. कहने का मतलब है आपको quantity ज़्यादा लेनी पड़ेगी. The quantity of all these work is to be comparatively increased. अब ये corrugations क्या होते हैं, semi corrugations क्या होते हैं, वो तो मैंने diagram में बना के दिखाए हैं. वो देखो y doubled. अरे आगे पीछे करोगे paint तो paint double नहीं लगेगा क्या? या area दो गुना नहीं बढ़ेगा क्या? मतलब फालतू की बातें पूछनी है. मतलब चाहे कुछ कुछ भी बोलो फालतू की बातें पूछ. वो देखो दूसरी आ गई 38% हो जाएगा. अरे परसेंटेज उतनी की उतनी है, परसेंटेज चेंज नहीं हुई है. परसेंटेज सेम. तो दीवार के एक तरफ पेंट करूंगा तो परसेंटेज एरिया इंक्रीज हुआ 5%. मैं दीवार के दूसरी तरफ भी पेंट करूंगा तो परसेंटेज एरिया तब भी तो 5% ही बढ़ेगा. स्टिल दी परसेंटेज एरिया देयर विल बी इंक्रीज विल बी सेम ओनली. बस कोफिशिएंट आप दोगुना ले लोगे. मैंने आपको ये बोला है द कोफिशिएंट दैट विल बी टेकन विल बी ट्वाइस. बस ये बोल दिया आपको वैल्यू. तो वो क्या बोल रहा है 38% हो जाएगा. एक बोल रहा है 40% हो जाएगा. तो ज्यादा दिमाग मत चलाओ, चुपचाप बैठ के पढ़ते रहो. सवाल मिलेगा आंसर देके आ जाना वहां पे. तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 40% हो जाएगा. तो 20% की जगह 40% कर देंगे. बहुत बढ़िया. तो परसेंटेज विल बी 40. अब जीआई शीट्स, व्हाट इज जीआई शीट, व्हाट इज एस्बेस्टोस सीमेंट शीट, व्हाट आर कॉरुगेशंस, व्हाट आर सेमी कॉरुगेशंस दैट आर बीइंग शोन टू यू. सारी कॉमन सेंस की बातें हैं, प्योरली बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस. सो दिस इज जीआई शीट और कॉरुगेशंस दिखा रखी है इसके ऊपर. दीज आर दी कॉरुगेशंस विच आर बीइंग शोन टू यू. ये कॉरुगेशंस है जो उसके ऊपर बनी हुई है. सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज कॉरुगेशन. क्लियर है पूरी कहानी?
रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। तो कॉरुगेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरुगेशन? इन कॉरुगेशन का मतलब क्या हुआ? जो अंड्यूलेशन होती है हमारी शीट के ऊपर, उसे क्या बोला जाता है? कॉरुगेशन बोला जाता है। तो अगर इस शीट के एक तरफ आप व्हाइट वॉश कर रहे हो तब भी इंक्रीमेंट कितना होगा? अगर ये जीआई शीट के मैं एक तरफ पेंट कर रहा हूं या व्हाइट वॉश कर रहा हूं तब भी एरिया 14% इंक्रीज होगा, और जब दूसरी तरफ पेंट कर रहा हूं तब भी एरिया कितना होगा? 14% इंक्रीज होगा। देन ऑल्सो द एरिया विल बी इंक्रीज बाय 14% ओनली। तो बस ये चीज बताइए, आपको 28% मत कर देना वहां पे, आपको बस ये बताया कि एरिया कोफिशियंट दुगना हो जाएगा, द एरिया कोफिशियंट विल बी डबल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट, ये एस्बेस्टॉस सीमेंट की शीट है। अगेन कॉरुगेशंस आर बीइंग शोन टू यू, फिर से कॉरुगेशंस दिखा रखी है इसके ऊपर। तो अगर इसके ऊपर व्हाइट वॉश हो रहा है, इसके ऊपर कलरिंग हो रही है, इसके ऊपर पेंटिंग हो रही है, इसके ऊपर डिस्टेंपर हो रहा है, एरिया की वैल्यू बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? एस्बेस्टॉस सीमेंट की शीट है, रफनेस ज्यादा है, रफनेस इज मोर, एरिया में इंक्रीमेंट और ज्यादा निकल के आएगा, इट विल बी 20%। तो यहाँ पे एरिया में इंक्रीमेंट 20% निकल के आती है। क्लियर है पूरी कहानी? दिस इज सेमी कॉरुगेटेड, ये सेमी कॉरुगेटेड है। यहाँ पे जो एरिया में इंक्रीमेंट निकल के आता है वो 10% निकल के आता है। हियर द इंक्रीमेंट इन द एरिया कम्स आउट टू बी, तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट निकल के आती है वो पिछले वाले से हाफ निकल के आती है। सो दिस इज सेमी कॉरुगेटेड, ये हमारी सेमी कॉरुगेटेड है। तो तीनों की पिक्चर दिखा दी आपको, पिक्चर ऑफ ऑल थ्री इज बीइंग शोन टू यू। तो पिछले वाले केसेस में हमें डिडक्शन करना पड़ रहा था, इस वाले केस में हमें एडिशन करना पड़ रहा है। इन दिस केस एडिशन ऑफ द क्वांटिटी इज टू बी कैरिड आउट, इन द प्रीवियस केस डिडक्शन ऑफ द क्वांटिटी वाज टू बी कैरिड आउट। क्लियर? रिपीट करना है इस पे से कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से। चलिए, सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन बाहर आ गए तो एम्प्टी पेज। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन मेरे ख्याल से तीसरा था ये, दिस वाज द थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ये तीसरा केस कर रहे थे हम, ये वर्क हमारा तीसरा वर्क था, चौथा वर्क था, दिस वाज थर्ड और फोर्थ वर्क, ये थर्ड वर्क थी हमारी। सो फोर्थ वर्क, फोर्थ वर्क इज स्टील वर्क, सो फोर्थ वर्क टू बी रेफर्ड इज स्टील वर्क। सो नाउ आई बी टॉकिंग अबाउट द स्टील वर्क, अब बात करेंगे स्टील वर्क की। द पॉइंट टू बी रेफर्ड इन द स्टील वर्क, जिस चीज की हमें बात समझनी है स्टील वर्क के अंदर, वो है बार बेंडिंग शेड्यूल। सो द कंसेप्ट टू बी एनालाइज इन स्टील वर्क इज बार बेंडिंग शेड्यूल। तो अगेन अ वेरी कॉमन टर्म जो सुनते रहते हो आप, कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज बार बेंडिंग शेड्यूल, क्यों किया जाता है, क्या बताता है हमें। सो दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन जाता है। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज बार बेंडिंग शेड्यूल। सो बार बेंडिंग शेड्यूल, सो बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस भी बोलते हैं, सवाल में आपको बीबीएस लिख के दे देगा, इन प्रॉब्लम ही से बीबीएस। अब क्या है हमारी बीबीएस, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस बार बेंडिंग शेड्यूल है क्या हमारा, व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल? बार बेंडिंग शेड्यूल इज कॉमनली रेफर्ड टू एज, तो बार बेंडिंग शेड्यूल इज कॉमनली रेफर टू एज कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, ये एक लिस्ट होती है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल एक लिस्ट होती है जो हमें बताती है, क्या बताती है? लोकेशन, मार्क, टाइप, साइज, लेंथ एंड नंबर ऑफ द बेंडिंग डिटेल्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग द इंटायर स्टेटमेंट। बार बेंडिंग शेड्यूल हमें जानकारी देती है किसकी? लोकेशन की, मार्क की, टाइप की, साइज की, लेंथ की, नंबर की और बेंडिंग डिटेल की ऑफ ईच बार। सो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, मार्क, टाइप, साइज, लेंथ, नंबर एंड बेंडिंग डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी रीइंफोर्समेंट ऑफ द वर्क। इसको हम बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। तो पहली जानकारी तो आपको यही दे दी कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है। सो व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज बार बेंडिंग शेड्यूल? सो वी कैन से इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, so it is a comprehensive list, so we can say it is a comprehensive list, ye comprehensive list hai jo jankari deti hai hame kiski, so it is a comprehensive list that describes, it is a comprehensive list that describes the, so that describes the, ab kya kya describe karti hai, pehla point, so it describes the location,
ये लोकेशन बताती है, दूसरा क्या बताती है, मार्क बताती है, तीसरा क्या बताती है, टाइप बताती है, चौथा क्या बताती है, साइज बताती है, पांचवा क्या बताती है, लेंथ बताती है, नेक्स्ट क्या बताती है, छठा, छठा में बताती है नंबर, तो छठा में बताती है नंबर, और क्या जानकारी देती है, सातवा बेंडिंग डिटेल्स। सो बेंडिंग डिटेल्स, बेंडिंग डिटेल्स, बेंडिंग डिटेल्स ऑफ ईच रीइंफोर्समेंट बार। सो बेंडिंग डिटेल ऑफ ईच रीइंफोर्समेंट बार, ईच रीइंफोर्समेंट बार, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया मैंने, आई हैव सिंप्लीफाइड दिस इन द इंटायर स्टोरी, तो पूरी कहानी को सिंप्लीफाई करके दे दिया मैंने आपको। तो बार बेंडिंग शेड्यूल हमें क्या बताता है, बार बेंडिंग शेड्यूल एक लिस्ट होती है जो हमें जानकारी देती है कि हमारे काम में कहाँ कहाँ पर स्टील लगी हुई है, तो लोकेशन मतलब कहाँ कहाँ पर लगी हुई है, किस मार्क की स्टील है, किस टाइप की स्टील है, उसकी साइज कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, कितने नंबर ऑफ बार्स हैं, और उसकी बेंडिंग की डिटेल। इस पूरे शेड्यूल को क्या बोला जाता है, दिस इंटायर शेड्यूल इज टर्म्ड एज व्हाट, बार बेंडिंग शेड्यूल, इसको हम बार बेंडिंग शेड्यूल बोल देते हैं। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इस पे कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से कुछ भी। अब इस पूरी स्टोरी में जो दिक्कत आती है, इस पूरी स्टोरी में जो दिक्कत निकल के आती है, वो निकल के आती है किसमें, लेंथ निकालने के अंदर। तो लोकेशन ड्राइंग में बनी हुई होती है, सो लोकेशन कैन बी सीन दी ड्राइंग, मार्किंग ड्राइंग में बनी हुई होती है, टाइप ऑफ स्टील हमें पता होता है Fe 250, Fe 415, Fe 500, साइज मतलब डायमीटर मार्क्ड होता है, डायमीटर इज नोन टू अस, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नंबर कितने हैं ये हम काउंट कर सकते हैं, ये भी आपको ड्राइंग में मिल जाएगा, सो नंबर कैन ऑल्सो बी रेफर्ड। बेंडिंग की टाइप और उसकी लेंथ बतानी पड़ जाती है हमें, तो सारा फोकस अभी मेरा किसके ऊपर होगा, लेंथ के ऊपर होगा, द इंटायर फोकस विल बी ऑन लेंथ। तो बार बेंडिंग शेड्यूल मुझे ये बताता है कहां कहां पर स्टील रिइंफोर्समेंट लगा हुआ है, उसकी मार्किंग क्या है, उसका टाइप क्या है, उसकी साइज कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, वो कितने नंबर में लगी हुई है रिइंफोर्समेंट, और क्या उसकी बेंडिंग की डिटेल है। ये सारी चीजें ड्रॉइंग में से पढ़ना या बताना बहुत ही आसान है, तो आप लोकेशन ड्रॉइंग में देख लोगे, आप उसकी मार्किंग कर सकते हो ड्रॉइंग के अंदर, टाइप क्या है रिइंफोर्समेंट का वो बताया जा सकता है, साइज क्या है यानी डायमीटर बताई जा सकती है, नंबर बताए जा सकते हैं ड्रॉइंग के अंदर। तो अभी मेरा पूरा फोकस किसके ऊपर होगा, अभी मेरा पूरा फोकस होगा उसके लेंथ के ऊपर और बेंडिंग के डिटेल्स के ऊपर। तो जो सवाल भी बन के आता है वो लेंथ के ऊपर निकल के आता है, व्हाट एवर प्रॉब्लम कम्स कम्स ऑन व्हाट, लेंथ ओनली। तो आपको आपको लेंथ निकालने आनी चाहिए, यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ। अब लेंथ की रेफरेंस निकाल लेते हैं, सो विल गो फॉर द रेफरेंस ऑफ द लेंथ। सो पहला केस, सो फर्स्ट केस, पीछे कैसे लिखा था प्रीवियस में, ए बी सी डी, तो इसको वन करके लिख देता हूं मैं। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज बेंट अप बार्स, सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज बेंट अप बार, सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज बेंट अप बार। अब जब बेंट अप बार प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी लेंथ मुझे निकालनी है, जो बेंट अप बार प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी लेंथ मुझे निकालनी है, तो पहला पॉइंट तो क्या लिखा, द टोटल लेंथ ऑफ द बार्स टू बी प्रोवाइडेड इज टर्म्ड एज, द टोटल लेंथ ऑफ द बार टू बी प्रोवाइडेड इज टर्म्ड एज क्रैंक लेंथ। तो सवाल पूछेगा आपसे क्रैंक लेंथ के ऊपर, ही विल आस्क द प्रॉब्लम ऑन दिस क्रैंक लेंथ, बोलेगा क्रैंक लेंथ निकाल के दिखाओ, बोलेगा क्रैंक लेंथ निकाल के दिखाओ, अब कैसे निकालते हैं क्रैंक लेंथ दैट विल डिस्कस। तो बेंट अप बार में मुझे क्रैंक लेंथ निकालनी है, अब इसके लिए मुझे बेंट अप बार बना के दिखाना पड़ेगा आपको, फॉर दैट आई हैव टू शो द बेंट अप बार। सो लेट अस सपोज दिस इज फॉर बेंट अप बार, स्पेस की कमी नहीं है, मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं मैं आपको, आई एम मैग्नीफाइंग द इंटायर सिस्टम, सो दिस इज अवर बेंट अप बार, ये हमारा बेंट अप बार है। अब मुझे इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, आई हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ, कलर चेंज कर रहा हूं मैं इसका मार्क करने के लिए, तो ये इसकी लेंथ है, दिस इज द लेंथ, तो पहली लेंथ तो मैंने आपको ये बना के दिखा दी, सो दिस इज द एक्चुअल लेंथ, सो एक्चुअल लेंथ इज बीइंग मार्क्ड, सो बेंट अप बार की मैंने एक्चुअल लेंथ को मार्क कर दिया, सो एक्चुअल लेंथ इज लेट सपोज L1। अब क्योंकि आपने बेंट प्रोवाइड कर रखा है, अब डायग्राम मेरा स्केल पे नहीं है और थोड़ा एंगल भी चेंज हो गया है क्योंकि दिखता नहीं है यहाँ से पास से मुझे, क्योंकि क्योंकि आपने बेंट प्रोवाइड कर दिया है, सिंस बेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड, चेक करो ये बेंट प्रोवाइड किया हुआ है, सिंस बेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड एंगल इज थीटा, बेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड एंगल इज थीटा, एंगल हमारा थीटा है, क्योंकि हमने ये बेंट प्रोवाइड कर रखा है कुछ लेंथ बढ़ जाती है, देयर इज सम एडिशनल लेंथ व्हिच इज टू बी प्रोवाइडेड।
अब वो एडिशनल लेंथ कैसे निकाली जाती है उसको डिस्कस करना है हमें, दैट एडिशनल लेंथ इज टू बी कैलकुलेटेड। अब कैसे कैलकुलेट करें एडिशनल लेंथ को, जरा चेक करो, चेक द एडिशनल लेंथ। लेट सपोज दिस वैल्यू इज डी, सो साइज ऑफ द बेंट इज डी, बेंट का साइज हमारा डी है। मेरे को कैलकुलेट करना है बेंट प्रोवाइड करने से, बेंट प्रोवाइड करने से कितनी लेंथ बढ़ गई, दैट इज टू बी रेफर्ड। अभी बताओ जो बेंट की लेंथ है वो कितनी निकल के आ रही है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेंट कमिंग आउट, साइन थीटा से बढ़ गई। जो पूछ रहा हूं बस वो बताओ और चुपचाप बैठ के सुनते रहो। अगर बेंट की साइज है डी, तो बेंट की लेंथ कितनी निकल के आ रही है अभी गिवन सिचुएशन के अंदर। इन द गिवन सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आपको बना के दिखा रखी है, मैं मार्क भी कर देता हूं यहां पे। लेट सपोज ए बी दिस इज सी। गिवन सिचुएशन में जो बेंट की लेंथ है वो कितनी है, गिवन सिचुएशन में जो बेंट की लेंथ है वो कितनी है। अरे बेंट की लेंथ पूछ रहा हूं, अब तो मार्क भी कर दिया मैंने, चलो छोड़ो नहीं पूछ रहा, बता ही देता हूं। सो लेंथ ऑफ द बेंट इज ए बी। तो बेंट करने के बाद जो लेंथ है वो कितनी आई है, छोड़ दो रहन दो, हाँ रहन दो, जो बेंट है उसकी लेंथ कितनी निकल के आ रही है, छोड़ दो बता दूंगा मैं, परेशान मत हो इतना। सो जो बेंट है उसकी लेंथ निकल के आई है ए बी। ए बी को मुझे रिपोर्ट करना है डी के टर्म में, ए बी को मुझे रिपोर्ट करना है साइज ऑफ द बेंट के टर्म में। सो इट इज इक्वल टू वॉट, डी बाय साइन थीटा। तो अभी जो लेंथ निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी डी बाय साइन थीटा। इसमें कोई पॉइंट रिपीट करना है, वो देखो दूसरा, हेलो दर्शन, डी साइन थीटा मत करो, परेशान मत हो, मैं खुद बता दूंगा। ये देखो अभिषेक भी आ गया, डी साइन थीटा, मत हो परेशान मत हो, जो बता रहा हूं सुनते जाओ बस, मत लाओ इतना एफर्ट, जो बता रहा हूं सुनो बस चुपचाप। तो अभी गिवन सिचुएशन में जो हमारी बेंट है उसकी लेंथ है ए बी, अगर मुझे उसको साइज के टर्म में लिखना पड़ गया वो है डी बाय साइन थीटा। क्लियर है यहां तक, तो जो बता रहा हूं अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये बेंट नहीं प्रोवाइड करता तो लेंथ कितनी होती, अगर मैं ये बेंट नहीं प्रोवाइड करता तो लेंथ कितनी होती, अगर हम ये बेंट नहीं प्रोवाइड करते तो लेंथ कितनी होती, तो लेंथ होती बीसी। तो हम बोलते इफ बेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, सो इफ बेंट इज नॉट प्रोवाइडेड देन लेंथ वुड बी, देन लेंथ वुड बी बीसी। तब लेंथ कितनी होती है हमारी, बीसी निकल के आती है। बीसी को अगर मैं साइज के टर्म में लिखूं कितना निकल के आ रहा है, बीसी को अगर मैं साइज के टर्म में लिखूं कितना निकल के आ रहा है, ये होता है डी बाय टेन थीटा। सो इट वुड हैव बीन डी बाय टेन थीटा। तो अगर मैं बेंट नहीं देता लेंथ होती डी बाय टेन थीटा, मैंने बेंट दे दिया तो लेंथ कितनी हो गई, डी बाय साइन थीटा। तो एडिशनल लेंथ कितनी दी हमने फिर, सो व्हाट इज द एडिशनल लेंथ, तो बेंट के आने से एडिशनल लेंथ कितनी आ गई, तो वो हम निकाल सकते हैं। सो एडिशनल लेंथ ड्यू टू बेंट, तो एडिशनल लेंथ ड्यू टू बेंट इज डी बाय साइन थीटा माइनस डी बाय टेन थीटा। ये हमारी एडिशनल लेंथ, क्लियर है, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी अब किसी के लिए, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी किसी के लिए। तो बेंट प्रोवाइड करने से लेंथ बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, डी बाय साइन थीटा माइनस डी बाय टेन थीटा। अब जैसे ही थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे ही थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, रिजल्ट विल ऑल्सो गेट चेंज्ड। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा आई एम डायरेक्टली गिविंग यू द वैल्यू, क्लियर है। चलो, सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा एडिशनल लेंथ कैन बी गिवन टू यू। सो थीटा एंड एडिशनल लेंथ की वैल्यू है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वैल्यू पुट कर लो आंसर निकल के आ जाएगा। सो 0.27D, 0.42D, 0.57D एंड 0.89D। तो कैसे निकल के आया है उसका एक्सप्रेशन बता दिया। ये देखो इनर पीस, सर डी बाय टेन थीटा कैसे निकल के आया, लो डी बाय टेन थीटा कैसे निकल के आया, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर,
तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी बाय बी सी बेस, सो बी सी इज इक्वल टू ए सी बाय टेन थीटा, ए सी इज इक्वल टू डी बाय टेन थीटा। और फिर उम्मीद करते हैं हम एसएससी जेई क्लियर करेंगे, विल क्लियर एसएससी जेई। टेन थीटा कैसे आया? चलिए आगे। चले कंटिन्यू। तो जब बार को बेंट दिया जाता है, जब बार को बेंट दिया जाता है तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, इट्स लेंथ इंक्रीजेस। तो अगर ये बेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता, इफ द बेंट वुड हैव बीन नॉट प्रोवाइडेड, तो इस पोर्शन में बार की लेंथ कितनी होती? बीसी ही होती। पर क्योंकि मैंने बेंट प्रोवाइड कर दिया, अब बार की लेंथ कितनी है? ए बी है। ए बी की वैल्यू बीसी से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय अस। चले आगे। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। दीज आर दी स्टैंडर्ड वैल्यूज, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। क्लियर है पूरी कहानी? अब जरा बताना, जो मैंने आपको भी रीइंफोर्समेंट बना के दिखाई हुई है, जो मैंने अभी आपको रीइंफोर्समेंट बना के दिखाई हुई है, द रीइंफोर्समेंट विच इज बीइंग शोन टू यू, अगर इस रीइंफोर्समेंट में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो क्रैंक लेंथ कितनी होगी? अगर इस रीइंफोर्समेंट में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, क्रैंक लेंथ कितनी निकल के आएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्रैंक लेंथ? सो इफ इन दिस रीइंफोर्समेंट वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्रैंक लेंथ विल बी हाउ मच? ये आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो एग्जांपल लिया मैंने, इफ इन प्रीवियस डायग्राम, सो इफ इन प्रीवियस डायग्राम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, फाइंड क्रैंक लेंथ। तो हमें क्रैंक लेंथ को निकालना है, सो फाइंड द क्रैंक लेंथ। तो डायग्राम देख लो पीछे वाला, तो क्रैंक लेंथ विल बी हाउ मच? तो इस वाले केस में हमारी क्रैंक लेंथ कितनी निकल के आएगी? L1, L1 प्लस बेंट की वजह से जो एडिशनल लेंथ निकल के आई है वो और जोड़ दोगे। वो देखो अभी भी पंकज शर्मा नींद में है, वो पंकज शर्मा अभी भी नींद में है। ये देखो अजय गोयल, अरे दो बार बेंट किया हुआ है ना, दो बार बेंट किया हुआ है, टू टाइम्स इट इज बीइंग बेंट। सो क्रैंक लेंथ, सॉल्यूशन सॉल्यूशन, क्रैंक लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट? क्रैंक लेंथ किसके बराबर होगी? एक्चुअल लेंथ L1 प्लस साथ में क्या जोड़ दो? एडिशनल लेंथ। साथ में जोड़ दी हमने एडिशनल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ है L1, एडिशनल लेंथ है कितनी? टू टाइम्स ऑफ 0.42D। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव आपसे। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस नाउ। सो क्रैंक लेंथ फॉर दिस सिचुएशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू L1 प्लस टू टाइम्स ऑफ एडिशनल लेंथ। एडिशनल लेंथ की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री एंगल के लिए 0.42D है। एडिशनल लेंथ कैसे निकालते हैं उसका कंसेप्ट बता दिया। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल माइनस नहीं होगी। देखो अभी बताया ना, दिमाग मत चलाओ, जितना बता रहा हूं उतना सुन लो। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही प्यार से एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। चले आगे। व्हाट इज डी? वो देखो सादिक मोहम्मद, व्हाट इज डी? जब नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, क्या आता माथा मार रहे हो? ये देख लो डी लिखा तो रखा है, ये देखो ये लिखा हुआ डी। तो डी क्या है? साइज ऑफ द बेंट, इसको बेंट का साइज बोला जाता है। क्लियर है पूरी कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए सो विल कंटिन्यू, सो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अभी तो हमने बात करी किसकी? अभी हमने बात करी है
अभी हमने बात करी है किसकी, बेंट अप बार्स की। सो टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट बेंट अप बार्स। अरे एडिशनल लेंथ लिखिए प्रभु, हॉरिजॉन्टल क्यों माइनस करोगे? बेंट आने से जो एडिशनल लेंथ आई है वो कैलकुलेट करी है ना आपने। वो बोल रहा है सर एडिशनल माइनस करूंगा, इसलिए तो बोला दिमाग मत चलाओ कि कौन सी लेंथ निकाली है आपने। बेंट से एडिशनल कितनी लेंथ आई है, हॉरिजॉन्टल लिख तो लिया आपने। हॉरिजॉन्टल इज बीइंग मेंशन, क्या है हॉरिजॉन्टल लेंथ हमारी, लिखी तो हुई है d tan थीटा। ये हॉरिजॉन्टल लेंथ लिखा तो हुआ है आपने d tan थीटा, इसको माइनस कर तो रखा है, और कैसे माइनस करोगे इसे? क्लियर है पूरी कहानी? तो इसलिए नहीं समझ में आता, अगर प्लस माइनस भी नहीं आता है तो छोड़ो, ज्यादा दिमाग मत मारो, रट लो उसे। जरूरी नहीं है सारी चीज आ जाए हमें। तो अभी बात करी हमने बेंट अप बार्स की। सो प्रेजेंटली वी हैव टॉक्ड अबाउट बेंट अप बार्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जब हम हुक प्रोवाइड करते हैं, व्हेन द एंगल ऑफ द बेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड, तो आपको हुक लेंथ कितनी लेनी है, व्हाट द वैल्यू ऑफ हुक लेंथ। तो वो आपको सेपरेटली एनालाइज करना पड़ेगा, दैट इज टू बी एनालाइज सेपरेटली। तो इसमें दूसरा केस लिया, सो सेकंड केस कहाँ गया हमारा, पहला केस बेंट अप बार है। सो सेकंड केस इज हुक लेंथ। सो सेकंड केस इज हुक लेंथ। तो दूसरी चीज जो आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में पता होनी चाहिए वो है हुक लेंथ। सो वेन एवर दी हुक विल बी प्रोवाइडेड, जब भी हम हुक प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको एडिशनल लेंथ और देनी पड़ेगी। जब भी हम हुक प्रोवाइड करेंगे आपको उसकी एडिशनल लेंथ और प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एडिशनल लेंथ इज ऑल्सो टू बी प्रोवाइडेड। तो उस एडिशनल लेंथ की वैल्यू को भी आपको जोड़ना पड़ेगा टू कैलकुलेट व्हाट, क्रैंक लेंथ। तो अगर आपको क्रैंक लेंथ निकालनी है, आपको हुक की एडिशनल लेंथ निकालनी पड़ेगी या जोड़नी पड़ेगी उसके अंदर। तो फिर से स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगेन वी हैव दी स्टैंडर्ड वैल्यू। सो वी से इफ दी एंगल ऑफ बेंड थीटा, देन वी हैव टू कैलकुलेट हुक लेंथ। फिर हमें कैलकुलेट करनी है हुक लेंथ। तो एंगल ऑफ बेंड निकाला, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो पहला एंगल ऑफ बेंड 90 डिग्री, सो फर्स्ट एंगल ऑफ बेंड इज 90 डिग्री। सेकेंड एंगल ऑफ बेंड, दूसरा एंगल ऑफ बेंड, सो सेकेंड एंगल ऑफ बेंड इज, ये दूसरा एंगल ऑफ बेंड है हमारा 180 डिग्री। सो सेकेंड एंगल ऑफ बेंड इज 180 डिग्री, इसको 0 डिग्री भी बोल सकते हो और 180 डिग्री भी बोल सकते हो। सो सेकेंड एंगल ऑफ बेंड इज 180 डिग्री, सो वी कैन से थीटा हेयर इज 180 डिग्री, हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस थीटा की वैल्यू, सो एंगल ऑफ बेंड थीटा की वैल्यू है हमारे पास 45 डिग्री, या इसको 135 भी बोल सकते हो, डिपेंड करेगा कहां से मेजर किया आपने, डिपेंड वेयर फ्रॉम वेयर यू हैव मेजर दिस। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा यू हैव टू एड एडिशनल बेंड लेंथ। आपको ये अगर से जोड़नी पड़ जाती है, जिसको हुक लेंथ भी बोल दिया जाता है, विच इज टेक्निकली टर्म्ड एज हुक लेंथ। राजेंद्र मीना, ये स्ट्रेट पोर्शन की लेंथ नहीं बताई जा रही है, तो आरसीसी का कंसेप्ट मत लगा देना है इसके अंदर। यहां पे हम लेंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहां पर कितनी एंकरेज मिलती है वो डिस्कस की जाती है। तो हर 45 डिग्री एंगल के लिए 4d इज द एडिशनल एंकरेज विच इज ऑब्टेन्ड। तो एंकरेज की बात नहीं की जा रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एंकरेज। यहां पे मैं हुक लेंथ की बात कर रहा हूं कि रीइंफोर्समेंट का साइज कितना बढ़ जाएगा जब आपने बेंड प्रोवाइड किया। आरसीसी के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं बेंड देने से कितनी एंकरेज वैल्यू मिलती है, तो दो अलग अलग बातें हैं, दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो हुक लेंथ हेयर इज 6'5", हुक लेंथ हेयर इज 9'5", हुक लेंथ हेयर इज 12'5". तो यहां पे जो हुक लेंथ निकल के आती है वो हमारी 12'5" निकल के आ जाती है। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। इसका मतलब अगर अगर आपके रीइंफोर्समेंट के अंदर बेंट हुआ उसको भी जोड़ोगे, अगर आपके रीइंफोर्समेंट के अंदर हुक प्रोवाइड करी उसको भी जोड़ोगे, यू विल ऐड द हुक आल्सो। तो दोनों चीजों को ऐड किया जाएगा। इस बात को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट टेक एन एग्जाम्पल। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज ये हमारा बार है, दिस इज अवर बार। सो दिस इज अवर बार, ये हमारी बार की वैल्यू है। सो बार प्रोवाइड कर दिया हमने,
सो दिस इज द बार विच इज बीइंग शोन टू यू. तो ये बार आपको प्रोवाइड कर रखा है. बार में हमने प्रोवाइड कर दिया हुक. इन द बार हुक इज बीइंग प्रोवाइडेड. तो बार में हमने हुक प्रोवाइड कर दिया 180 डिग्री का. अब आपको इसकी निकाल के बतानी है क्रैंक लेंथ. यू हैव टू इंडिकेट द क्रैंक लेंथ ऑफ दिस. लेट सपोज एक्चुअल लेंथ है हमारी, एक्चुअल लेंथ है एल वन. सो एक्चुअल लेंथ है हमारी एल वन. सो एक्चुअल लेंथ इज एल वन. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्रैंक लेंथ की. चलो निकाल के बताओ क्रैंक लेंथ कितनी आ रही है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रैंक लेंथ. थीटा इज 45 डिग्री. थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है. सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. चलिए सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. निकाल के बताओ कितनी आ रही है. सो व्हाट इज द क्रैंक लेंथ इन दिस केस. क्रैंक लेंथ कितनी निकल के आ रही है. थीटा 45 डिग्री लिखा तो बेटा, थीटा इज मेंशन एज 45 डिग्री. तो बेंट अप बार में 45 डिग्री दिया जाता है एंगल. इन बेंट अप बार 45 डिग्री इज द एंगल. सो कैलकुलेट द वैल्यू. वैल्यू कैलकुलेट करके दीजिए कितनी आ रही है. एडिशनल लेंथ 90 डिग्री पर. 90 कैसे आया, लास्ट वाले में स्टैंडर्ड है. 90 थोड़ी लिखा हुआ है 90 डिग्री पे. एडिशनल लेंथ पीछे कैलकुलेट करके आया. बेटा वैल्यू निकाल के दी तो है आपको पीछे, डी बाय साइन थीटा माइनस डी बाय टेन थीटा. सो व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट नाउ. कितनी वैल्यू निकल के आ रही है क्रैंक लेंथ. सो क्रैंक लेंथ विल कम आउट टू बी हाउ मच. सो क्रैंक लेंथ विल बी इक्वल टू, क्रैंक लेंथ विल बी इक्वल टू एल वन. बेंट प्रोवाइड कर रखा है. सो टू टाइम्स ऑफ एडिशनल लेंथ. 45 डिग्री पे एडिशनल लेंथ कितनी आएगी. एट 45 डिग्री एडिशनल लेंथ इज हाउ मच, 0.42 टाइम्स ऑफ डी. प्लस आपने क्या प्रोवाइड कर रखे हैं, दो हुक प्रोवाइड कर रखे हैं. और एंगल ऑफ बेंड कितना है यहाँ पे. एंगल ऑफ बेंड इज गिवन टू बी हाउ मच. एंगल ऑफ बेंड दे रखी है आपको 180 डिग्री की. इसका मतलब साथ में आपको हुक लेंथ भी जोड़नी पड़ेगी. हुक लेंथ कितनी है यहाँ पे, 95 है. सो 2 इंटू 95. सो 2 इंटू 95. सो दिस इज अवर क्रैंक लेंथ. ये हमारी क्रैंक लेंथ निकल के आ जाएगी. क्लियर है पूरी स्टोरी. अब डी और डायमीटर की वैल्यू गिवन होगी आपको. सो डी एंड डाया विल बी गिवन टू इन द प्रॉब्लम. तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है यू कैन कैलकुलेट दैट. क्लियर है पूरी स्टोरी. चलिए बेटा, जो यूनिट डायमीटर की है वो यूनिट हमारे हुक लेंथ की है. जो यूनिट डायमीटर की है वही यूनिट हमारे हुक लेंथ की है. डायमीटर की यूनिट डाल देना उसके अंदर. चले आगे. शैल वी कंटिन्यू. दे तो रखा है 135 डिग्री. एंगल मैंने यहां से मेजर किया है 45 डिग्री का. यहां से मेजर करोगे तो 145 डिग्री हो जाएगी. इट विल बिकम 145 डिग्री. चलो आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू नाउ. कंटिन्यू इसको अप्लाई करके बताइए. अब सारा डाटा दे दिया आपको. द इंटायर डाटा इज गिवन टू यू. तो बार बेंडिंग शेड्यूल में हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बार बिकम्स द क्राइटेरिया. ये सबसे चैलेंजिंग होता है, वो आपको बना के दिखा दिया है. इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट दैट इज बीइंग शोन टू यू. वो आपको बना के दिखा दिया है. अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करके देखते हैं. सो वील रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस. लेट अस सपोज ये हमारी सिचुएशन है. दिस इज अवर सिचुएशन. सो दिस इज द सिचुएशन. सो सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट है. सपोर्ट की साइज ले लो, लेट सपोज 150 एम एम. सो सपोर्ट की साइज है 150 एम एम. द साइज ऑफ द सपोर्ट इज 150 एम एम. अब देनी है रीइंफोर्समेंट इसके अंदर. सो रीइंफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड. सो रीइंफोर्समेंट की वैल्यू प्रोवाइड करनी है आपको.
सो रीइन्फोर्समेंट की वैल्यू प्रोवाइड करनी है, लेट सपोज ये है रीइन्फोर्समेंट हमारी, सो सेंटर टू सेंटर एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये एंगल हमारा 45 डिग्री है. सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये वैल्यू हमारी 45 डिग्री है. सो ओवरऑल साइज ऑफ द बीम, तो जो लेंथ है बीम की हमारी, लेंथ है बीम की हमारी, लेट सपोज दिस इज 4000 mm, सो लेंथ ऑफ द बीम इज इक्वल टू 4000 mm. चलिए कैलकुलेट करके बताइए इसे, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट. कैलकुलेट द क्रैंक लेंथ, सो प्रॉब्लम इज फाइंड क्रैंक लेंथ. सो प्रॉब्लम इज टू कैलकुलेट द क्रैंक लेंथ. क्रैंक लेंथ निकाल के बताइए कितनी आ रही है. अरे भाई काहे माथा कर रहे हो अपना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, अपना सवाल पढ़ो, आंसर निकालो. सवाल पढ़ो, किसकी डेप्थ बताऊं भाई. अभी बोला ना कि जब नहीं दिमाग चलता चुपचाप रट लो, सर डेप्थ बता दो. किसकी डेप्थ बताऊं इसके अंदर, किस चीज की डेप्थ बतानी है आपको, डेप्थ ऑफ व्हाट इज टू बी रिपोर्टेड. क्या करोगे बीम की डेप्थ का, क्या काम है इसमें बीम की डेप्थ का, व्हाट द यूज ऑफ द डेप्थ ऑफ द बीम इन दिस केस. इस सवाल में बीम की डेप्थ का क्या काम है, सर बीम की डेप्थ नहीं बताई. सर बीम की डेप्थ बता दो, इसलिए बोला है जब नहीं चलता है दिमाग छोड़ दिया करो, ज्यादा माथा नहीं मारना. जो भी इंफॉर्मेशन है सफिशियंट है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू डिज सफिशियंट. सो क्रैंक लेंथ इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, क्रैंक लेंथ कितनी निकल के आ रही है. सो क्रैंक लेंथ विल बी हाउ मच, सो क्रैंक लेंथ, तो टोटल लेंथ जो हम प्रोवाइड करेंगे बार की, फर्स्ट 4000 mm हमारे बीम की लेंथ है, फिर हमने प्रोवाइड कर रखा है सेंटर ऑफ सपोर्ट पे, सेंटर ऑफ सपोर्ट पे इसका मतलब माइनस टू टाइम्स ऑफ 150 बाय 2, सो माइनस टू टाइम्स ऑफ 150 बाय 2, 45 डिग्री का आपने क्या प्रोवाइड कर रखा है, 45 डिग्री का आपने क्या प्रोवाइड कर रखा है, बेंड प्रोवाइड कर रखा है, क्योंकि 45 डिग्री का बेंड प्रोवाइड कर रखा है. आपको हुक की लेंथ देखनी पड़ेगी, हुक की लेंथ कितनी प्रोवाइड करेंगे, 12 फाई, कितने बेंड है, दो बेंड है, सो 2 × 12 फाई, सो दिस इज द रिजल्ट. ये रिजल्ट निकल के आ गया, सिंप्लीफाई करके निकाल लो कितनी वैल्यू आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट, 3850, सो 3850 प्लस 245, सो दिस इज द रिजल्ट इन एमएम. ये रिजल्ट आ गया एमएम के अंदर, तो ये पूछा था आपसे, दिस वाज बीइंग आस्क्ड. क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए. चलिए, सो द इंटायर स्पेसिफिकेशन टॉपिक इज बीन कंप्लीटेड. एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, उसको कल कर लेंगे, 5-10 मिनट का टॉपिक है. सो वी आर डन विद द स्पेसिफिकेशन, टुमारो वील स्टार्ट विद द, कल हम स्टार्ट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर से. सो टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग, तो कल डिस्कशन होगी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडरिंग की. चलिए, थैंक यू एवरीवन.